अभी भाई बोले साहब एक आरती आदेश है भाई मंच को। आरती में कई लिखी लेकिन मेरी सबसे प्रिय आरती है अपनी बीवी की। क्योंकि अपनी सही गृहस्थी खुशी गृहस्थी कतनी अपनी बीवी ने प्रसन्न करो वो कतानी आरती होनी चाहिए। और आरती करने से 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये आरती से निवेदन है कि जय बीबी मेरी ओम जय बीबी मेरी। और अब तो दया करो तुम, अब तो कृपा करो तुम, शरण पड़ा तेरी। ओम जय बीबी मेरी, कुतन से औरत लगती। एक निवेदन कर दूं या किसी भाई की पत्नी की भौगोलिक स्थिति मेरी पत्नी से मिल रही हो तो वो मुझे अपना आदमी समझ कर माफ कर दे। अपना आदमी तन से औरत लगती, सूरत मर्दानी। ओ देवी सूरत मर्दानी, और नीचे से मायावती ऊपर अडवानी। ओम जय बीबी मेरी, रोज चाटती कुल्फी भोजन में मेवा। ओ देवी भोजन में मेवा, और क्रीम पाउडर शैम्पू से राजी पत्नी देवा। ओम जय बीबी मेरी, कुजब तेरे पीहर से कोई ही है आता। ओ देवी कोई ही है आता, और महीने भर का वेतन पूरा कर जाता। ओम जय बीबी मेरी। आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हो। और निवेदन है को फ्रिज कूलर और टीवी, को फ्रिज कूलर और टीवी तू पीहर से लाई। ओ देवी पीहर से लाई, लेकिन गद्दे में रुई तो मैंने भरवाई। ओम जय बीबी मेरी, कु जब तू आंख दिखा दी तब मैं डर जाता। ओ देवी तब मैं डर जाता, और पांव पकड़ कर तेरे पीछा छुड़वाता। ओम जय बीबी मेरी, कु तू दुर्गा तू लक्ष्मी तू ही है महाकाली। ओ मैया तू ही है। अब क्या उलझ का भेद जी। को तू दुर्गा तू लक्ष्मी तू ही है महाकाली। ओ बच्चों की मैया तू ही है महाकाली।
और तू ही करती मेरा नित पाकिट खारी। ओम जय बीबी मेरी। और अंतिम दो लाइनें जो मेरे साथ गाएगा उसे वो ही फल प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। बीवी जी की आरती जो कोई पति गावे, ओ देवी जो कोई पति गावे, और एक बरस में दो दो, एक बरस में जुड़वा बालक बो पावे। ओम जय बीबी मेरी। हा आदरणीय वेद दादी जी, भरपूर असाया अपन है जो मस्ती आज की बाता में है, जो आज आनंद की बाता में है, और हर पल जीवन ना तो सहज जीव है। आसे में अत्ता वरिष्ठ है मार से कि आ के सहज स्वभाव के कारण ही ऐसी मजाक कर लिया है, नहीं तो ये आ के साथ का कभी तो मन ज्यादा बोलने को दे कमरा हमको नहीं बढ़ने दे मारा आपका मैं यहाँ जडेजार रुका करा, अरे बच्चो तुम बाहर रहो यहाँ करे, तो आज जिंदा दिली है वो मन को आनंद है। मेरी दो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई देश भर में, लोगों को बहुत प्रेम मिलियो, कई मंत्री आरएएस अधिकारी कई बड़ा संत आपका उद्बोधन में पढ़े, बात आप तक पूछे तो बतायो। परमात्मा का शास्त्र में 1008 नाम है, सहस्त्र नाम, बा में प्रथम नाम मालिक को है सच्चिदानंद। भगवत गीता जी पहली लाइन आवे सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद मतलब सच्चो आनंद, सतत आनंद, जिको हर टाइम मन के माय आपा, कोई की रुई चुई में नहीं, कोई का लगाना सिखाना में नहीं, एक आनंद में जीवा। दो पंक्तियां बात पहुंचे वेद जी जिसे जीवन भर जीते हो, तो इनके सम्मान में आपकी तालियां पहुंचे। कहा है कि मन का आनंद ही, ये मन का आनंद ही सच्चिदानंद तक साथ जाएगा, मन का आनंद ही सच्चिदानंद तक साथ जाएगा, बाकी इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। तो जीवन को वैसे जीने वाले आदरणीय वेद जी दादी सच्ची आनंद की अति बाता है, समय की सीमा है, मैं बहुत मान सम्मान के साथ ही मुकाम पर आपने छोटी छोटी बाता से ऐसाबा के लिए और माता भेणा तो समय दियोबा के लिए बहुत धन्यवाद है। लगभग 51 मिनट को कार्यक्रम और है। ए बाणा, ए भतीजा, ए बाया अगर बैठी रहे करे तो माने भी अलग है, गुजिया परिवार बैठे है, कोई जरूरी बहुत मजबूरी हो, कोई सुबह बच्चा ने भेजना करना के घर परिवार का सहज काम रहे तो एक बात अलग है, नहीं तो रोजी ना आप अत्तो समय दियो। आज लीला को अंतिम दिन है शायद इस वर्ष को, तो है ना जी, तो फिर अत्तो सो आप अंश दान और करा समय दान को। और हसी मस्तियाई माटी में अति है मन आप जीवा। ओ एक और ओ कार्यक्रम सबसे बड़ी बात है कि वो युगिया को आएगो रामलीला में, आप बचपन में आपस है देखा अभी ने, मैं नवलगढ़ में बड़े रामलीला देखवा जाता 7-8-10 साल का, ए राघव भाई जी मारे गांव का बैठा है ठे सारा, तो मैं जाता जना पहले हजार जगह रोकता, घरा से बोरी ले जाता, अभी माटी ने बेड़ी कर कर कुडो कर लेता कि घर का आवे जमाने ऊंचो मिले। गांव को एकमात्र सांस्कृतिक आयोजन बोई हो, तो अब तो है यूट्यूब अत्ता सोशल मीडिया च आदमी घरा पढ़ो पढ़ो देख लिया, बार वेद जी जब कविता पढ़ रहा ना कई भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्ड कर ली घरा जार घर वाली दिखावेगा तो थे थारे बड़ा सौ में ना वेद जी का पाण ब्यार लिया हो यार कनी के तो जिको आप जी घड़िया बैठे को आनंद को ले पा रहे मैं खया तो कोनी करूं। पर एक बात बताऊं, आज देखो टेक्नोलॉजी कत्तो गड़बड़ करे, टेक्नोलॉजी का बड़ा संकट है। ए कुछ प्रचिदी है आका आज ना आपा सम्मान दिलाऊंगा जिका पुरस्कार में बहुत बढ़िया आने वो सारो आपा दिलाऊंगा। एक मेरो निवेदन आप सब से है, मैं आयो जब मैं 9:30 बजे पीछे बैठ का कुर्सी पर जाकेट पहन मारी 11 बजे नंबर आयो। मेरो एक निवेदन ही कार्यक्रम ना तो ही करो, एक दिन और बढ़ाओ, एक दिन सम्मान समारोह रखो, फिर टाइम बच जाए तो कभी समय जिका आनंद वो भी बहुत जरूरी है। आप आए ना भी बार आपा बुलाशा और जना मैं बताऊंगा टेक्नोलॉजी अत्तो गड़बड़ कर रही है। टेक्नोलॉजी में थे देखो के ए आप इन्हें इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोले है, बड़ा डाटा अपनी कंपनियां का बारे जावे थे, गूगल पर कोई चीज सर्च कर लियो अमेजन से फ्लिपकार्ट से
थे जिया जुराब खरीदवा की कोशिश करोगा तो फिर ते कोई सी साइट चलाओ थाने जुराब ही जुराब का एड आवेगा, जुराब खरीद रहे हो तो भी से रिलेटेड जूता का एड आबा लाग जाएगा, बाकी ना अपना सारा डाटा चल जाएगी आदमी ने जुराब चाहिए। वेद जी को संकट देखो बार गर्मिया में सीलिंग फैन वो छात और पंखो सर्च करियो जी भाई गर्मी में कमरा में हवा खा लिया अब्बा मशीन समझी को नहीं भी पछा कर रस्सी का टेबल का ये डबल आग कर हाँ ब्यासा वाला को नहीं आवा ढूंढो तो होते है बा में भी बहुत आया भाई जी सिर्फ 10 रुपए में पूरी रात बातें करे बहुत ए ताड़िया भाई बजारिया जी का भुक्त भोजी पीड़ा बहुत है मैंने बताऊं जगत की ए, 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 ए लोग गूगल पे फोन पे आप पर निर्भर रहेगा आदमी 10-20-50 रुपया खुला कौन रखे गोजा में सारो मशीनीकरण युग आएगो थे भी आदमी को संकट समझो जिको सिंधी कैम बस स्टैंड में भी सुलभ शौचालय में बढ़ियो है एकदम बाजू ही और वो बठे भी पर फोन पे कर रही हो 10 रुपया माए नेटवर्क को नहीं आ रही हो और आगलो खरियो जी जब तक नेटवर्क नहीं आए अपनी आउट गोइंग बंद रखो अब भी जी स्थिति आए वो एटीएम तक जाबा जोगो भी नहीं रही तो वो सारो टेक्नोलॉजी पर निर्भर मत रहो मत आने एक बात बताऊं मैं बताया तो कोनी करूं मेरे याद आजी मैं मारे सांची घटना हुई है मारा चाचो जी अडे बीद सर में ही रहे अया पुराना आदमी है आठ एक पटेड़ा किराना जी दुकान कर मिली है गाँव में अब्बा मैंने कोई 25 साल पहले बतायो बोलो यार अरे संकट ही होगा मचे बोलो मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ गर्मिया में छात पर बैठ रोटी खाऊं तेरी काकी हवा गाल तेरे बत्ती देर बीज जनाऊ ना बोलो परसु तेरी काकी बुझो रात ने 9:30 बजे बोली जी आ सेटेलाइट क्यों है अब बोलो यार मैं आठवीं फेल मैं भी नहीं सेटेलाइट समझाऊ ना बोलो मैं दिमाग लगायो मैं बोलो सेटेलाइट सेटेलाइट यानी उपग्रह बा बोली जी तो उपग्रह क्यों हुआ है मैं तनकड़े दरकार पड़गी बोली जी मैं तो वो दोपहरी में टेलीविजन में भी दूरदर्शन पर नाटक देखूं जो आज भी मैं मंडेडो आ रही हूँ उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण रुकावट के लिए खेद है देखेड़ा उसी थारा वो दौर हो जदिया लिखेड़ो आ तो भाई जी अब तो चैनल ही अत्ता हुआ है बुझो मैं जद बहुत जना मैं भी ना समझायो मैं उपग्रह उपग्रह यानी एक बहुत बड़ी मशीन जिके आसमान में बहुत ऊपर लाजेड़ी रहा अपन को नहीं सुझो अति ऊंची लाजेड़ी रहे और बा बठई चारों मेर घूमती रहे और बा ऊपर से ही नीचे की सारी फोटो ले ले और टेलीविजन में भेज दे आ सुनता ही काची सुननी हो जी बेहोश हो जी बठई काको जी रोटी खाता भी पानी का गिलासा सही भी का छांटा दिया जना भी ना 5 मिनट ना होश आयो जहां बोली रोती रोती बोली जी मैं तो गुठा छाप ही पण थे तो शाणा सोता होता सोता जीव के कर लियो फंद इया जी सेटेड लाइट लागी बाप कणो तो आज से ही छात पर सोनो बंद तो टेक्नोलॉजी का संकट बहुत है भाई जी तो इलिए जिका साचा आनंद है मिलबा जुलबा का ए अवसर सागे बैठ कर ए आने जीवा आपा वापस आ रामलीलावा की रंगत बनावा बसावा।